स्टार्ट। हम सब जानते हैं कि आज से 3-4 दशक पहले तक सामान्य व्यक्ति को पीने का पानी खरीदना नहीं पड़ता था। उसके लिए पेयजल सुलभ था। आज जल संकट एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है। जल संकट से जुड़ी स्थितियां भयावह रूप ले सकती हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा है कि भविष्य में यह विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण भी बन सकता है। ऐसी स्थितियों से मानवता को बचाने के लिए हम सभी को सचेत रहना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करना और अपनी पृथ्वी की रक्षा करना हम सबके समक्ष एक विशाल चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने नई सोच और कार्यप्रणाली अपनाई है। भारत सरकार ने 2014 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का नाम बदलकर तथा जलवायु परिवर्तन को शामिल करके बदलाव की आरंभिक संकेत दिया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सन 2019 में दो मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। इस पहल के पीछे भारत सरकार का यह सुविचारित निश्चय है कि जल के मुद्दे पर एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करना है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल के समक्ष उपयोग, जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में सरकार की नीतियों के तहत नदियों का कायाकल्प करने, नदियों की घाटियों के सर्वांगीण प्रबंधन, जल सुरक्षा को स्थायी रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने और मौजूदा बांधों का सक्षम उपयोग करने को विशेष प्राथमिकता दी गई है। पानी के मुद्दे से हर व्यक्ति को जोड़ने और जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान का आरंभ किया और उसी वर्ष जल जीवन मिशन का भी शुभारंभ किया गया। जल संरक्षण तथा जल स्रोतों को रिचार्ज करने के राष्ट्रीय आह्वान के बाद करोड़ों नागरिक इस अभियान में शरीक हुए। पिछले वर्ष 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन प्रकल्प शुरू किया गया था। जल शक्ति अभियान के उस दूसरे चरण को पिछले साल मार्च से नवंबर तक मानसून के आगमन के पहले और मानसून के दौरान
देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलाया गया।